हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, अगर आपसे कभी कोई ये पूछे कि भाई आपका कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप जो भी आपके पास है वो मेल है या फीमेल, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? जी हाँ दोस्तों, कई सारे लोगों से मैंने जवाब पूछा तो अलग अलग लॉजिक के साथ उन्होंने जवाब दिया, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने कंप्यूटर से बुलवा सकते हैं और उसकी आवाज़ सुन के आप पता लगा लेंगे कि भाई ये मेल है या फीमेल है। जी हाँ दोस्तों, एक फनी ट्रिक है तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप भी आगे इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलता नहीं हूँ अक्सर सब्सक्राइब करने के लिए शुरू में, लेकिन आप करते भी नहीं है इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे चलिए, एक छोटी सी ट्रिक है, नोट पैड की हेल्प से हम ये स्क्रिप्ट रेडी करेंगे, और ये स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से वर्क करेगी। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट रेडी कर रखी है, speakup.vbs। तो जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये एक आवाज़ में बोलेगा, अब वो आवाज़ या तो मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है, चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक किया। आई लव यू। ठीक है, आई लव आप यू। सुन रहे होंगे, आई लव यू आपको नजर आ रहा है, और एक मेल वॉइस वो आपको यहाँ पे सुनाई दे रही होगी। हालांकि हम इस वॉइस को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट में जो भी वॉइस आपके सिस्टम में सिलेक्ट है उसके आधार पर आप एक फनी ट्रिक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये यूज कर सकते हैं कि भाई कंप्यूटर का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। अब चलिए बताता हूँ मैं आपको इस स्क्रिप्ट को, इस छोटी सी स्क्रिप्ट को आप कैसे लिखेंगे। बहुत छोटी सी स्क्रिप्ट है, आधी लाइन की स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे हम नोट पैड ओपन कर लेते हैं, नोट पैड में स्क्रिप्ट लिखेंगे। नोट पैड हमने यहाँ पे ओपन कर लिया, फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जो लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आधी लाइन है। बहुत ज्यादा कुछ आपको, बहुत ज्यादा कोडिंग यहाँ पे नहीं करनी है। तो यहाँ पे जस्ट आप लिखेंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, देन डबल स्ट्रिंग आप लगाएंगे, देन लिखेंगे यहाँ पे सापी, ठीक है, SAPI, देन डॉट लगाएंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे SPVOICE। ठीक है, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको किसी तरह की स्क्रिप्ट मुझे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रिएट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट डबल स्ट्रिंग SAPI.SPVOICE, उसके बाद एक डॉट लगा देंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे आप स्पीक, ठीक है। स्पीक के बाद आप बिना स्पेस दिए डबल स्ट्रिंग लगाएंगे, और इस डबल स्ट्रिंग के बाद आप वो मैसेज लिखेंगे जो आप अपने कंप्यूटर से बुलवाना चाहते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा था आई लव यू, ठीक है, आप में से कईयों ने तो इस तरीके का मैसेज सेंड करने के लिए भी सोच लिया होगा अपनी गर्लफ्रेंड को, लेकिन यहाँ पर आप इसका किसी भी तरीके से यूज ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे मैसेज लिखना है, देन डबल स्ट्रिंग आपको एंड में लगा देना है। जस्ट आपको ये लाइन लिखनी है, क्रिएट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट डबल स्ट्रिंग SAPI.SPVOICE, देन डबल स्ट्रिंग अगेन स्टार्ट, देन ब्रैकेट क्लोज डॉट, उसके बाद स्पीक, देन डबल स्ट्रिंग आई लव यू, या फिर यहाँ पर इस ब्लू जगह पर आपका कोई और मैसेज, देन उसके बाद डबल स्ट्रिंग क्लोज। देन फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, सेव एज में जाने के बाद आप डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी, जहाँ पर भी आप अपनी फाइल रखना चाहें वहाँ पे सेव कर देंगे, gender.vbs, .vbs एक्सटेंशन आपको रखना है, नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रखिए, ठीक है। हमने इस टॉपिक पे बनाया वीडियो कि भाई मेल है फीमेल है कैसे पता लगेगा, तो बोलेगा तभी पता लगेगा, और फिर हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्लोज कीजिए, क्लोज करने के बाद यहाँ पे एक और फाइल आ गई है जेंडर की, जस्ट इस पे डबल क्लिक आपको करना है, आई लव यू, ठीक है। इस तरीके से आपके पास आवाज आ रही है, आई लव यू, ठीक है। हालांकि आप में से कई लोगों की इच्छा कर रही होगी, मन कर रहा होगा कि नहीं यार मेरा कंप्यूटर मेल है तो मेरे को फीमेल वॉइस चाहिए, या फिर किसी के कंप्यूटर में फीमेल वॉइस होगी डिफॉल्ट पे तो उसको मेल वॉइस चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपके लिए पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, टेक्स्ट टू स्पीच प्रोग्राम है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं अपने सिस्टम की डिफॉल्ट वॉइस चेंज करने के लिए। तो अब आपको पता लग गया होगा मेरा सिस्टम तो मेल है, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका सिस्टम मेल है या फीमेल है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।